उठते हैं चुपते और आ जाओ फिर खाते हैं खाना, किचन भी देख लेंगे इस बहाने। क्या बात है। अच्छा तंदूरी, ये तंदूरी सीटिंग एरिया, बाकी रसोई ऊपर है। वो यार वो आपने रात को बड़ा कष्ट किया तो यहाँ से पार खाना पहुँचाया आपने, स्वाद में भी कमी कोई नहीं थी तो इसलिए रात को क्या खाया था पहले वही देख लो, फिर मिलते हैं आज की जर्नी में, है ना, क्या बोलते हैं? जी जी बस बस बहुत बहुत है, सोचने के लिए कुछ भी सोच लो, होता वही है जो मंजूर खुद होता है, इससे बढ़िया नहीं कुछ हो सकता था। दाल चावल कड़ी एक नंबर मौज, कुछ खाते हैं पेट भरने के लिए, ऐसे में हम खाते हैं आंख भरने के लिए, नींद से भर जाए, मजा ही आ गया। मतलब सुबह से एक परांठा खाया था और सारे दिन का ट्रेवल, इसके आगे दो बाइट ज्यादा खा लेता उसका उठा के रखना पड़ता अंदर। अभी ऐसा क्या कमरे तक जा सकता हूँ मैं। ओए रब्बा, ये आप पापा कौन से? ये कौन सी बूटी है जी? ये जी हम बोलते हैं इसको सालम मिश्री। सालम मिश्री, और ये सुखा के फिर क्या होता है इसका? क्या पता नहीं, पहली बार खोद रहे हैं। अच्छा ये 200 रुपए किलो है ये। अच्छा क्या क्या आपने कोटिया क्या क्या बताई बूटियाँ? हाँ जी मैं तो अभी सिर्फ एक ही जड़ी लगाई है जिसका नाम जो कुकी पिकरू राजा करो, पिछले साल ही मैंने पौधे जो है लगाया है जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा ये आपकी खेती है सारी है, क्या क्या नाम है इसका? कुटकी पिकरू राजा करो, अपनी भाषा में हम जो है इसको कौड़ी कहते हैं। ये है? हाँ जी ये कौड़ी है। ये तो इसका कैसे बनाते हैं आप फिर, इसकी दवाई मतलब कैसे बनती है? इसका जो है दवाई हम तो लोग जैसे मतलब लोकल जो है इसको जो है पीस के जो है इसको पीस करके। अच्छा, इसको सूखेगी, इसको सुखाएंगे, इसको पीस के जो है इसका चूर्ण टाइप बनाएंगे, चूर्ण बनाएंगे फिर इसको खाएंगे। और पर्टिकुलर काई किस काम में आती है? ये पेट की सफाई के लिए होती है। हां जी हां जी, कैंसर के, पेट में दर्द दो कई बार होता है। जो नेजी वाले का पुदीने वाली चाय बनाई वो बोला छाती साफ करने के लिए होती है वो। हां फ्रेश होती है वाली चाय। देखो यार शरीर के लिए हर एक चीज है यहां पे। अच्छा ये सारी एक कौड़ी की खेती है। हां जी, गाय वगैरह बीमार होती है ना जी, जो उनका पेट खराब। हां जी पेट खराब जानवर के लिए भी बहुत काम आती है, जैसे पेट फूल जाता है। हां हां जी, पेट की कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये जो है हम जो है इसको पीस करके जो है। तो ये जी बड़ा खूबसूरत सा घर है देख लो, जिसके आस पास कुछ भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, इन द डेप्थ ऑफ जंगल और एक्सट्रीम लेवल का हिमाचल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्सट्रीम समझ रहे हो, मतलब कि नॉर्मली टूरिस्ट नहीं पहुंचता है वहां पर। क्या महेंद्र भाई है? जी जी, कोई नहीं आता होगा और क्यों ही आएगा बंदा, क्योंकि बंदे को चाहिए मनाली यार सुविधाएं चाहिए जहाँ पे हर चीज फैसिलिटी हो। तो जी बहुत बढ़िया जिंदगी और बहुत मजेदार जिंदगी है, अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि ऐसे दोस्त ऐसे लोग आसपास हैं जुड़े हैं जो मैं ये जगह देख पा रहा हूँ घूम पा रहा हूँ और वर्चुअली आप लोगों को भी दिखा पा रहा हूँ। थैंक्स टू ऑल माई टीम, थैंक्स टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स पीपल एंड आप लोग तो हुई फिर, है ना। ये बढ़िया सा घर ऐसा चाहिए यार एक, और साथ में छोटा सा किचन है, है? क्या बात है यार, लड़ाई हो गई है, बिड़ाकी लग गई मोटी। जबरदस्त जोर आजमाइश हो रही है, ये चीज नहीं देखने को मिलनी थी। ए आया, ए ए आए, फंस गए, ये नहीं कर रहे, मोटे हाइक चल रही है। तो ये पुराने मेलों मूलों में देखने को मिलती थी। मोटा एक सस्पेंस बन गया है, क्या हो गया गैंग वॉर हो गया। कुत्ता आया तो मोटे जोश में था कि अब नहीं बख्शूंगा और खुद उसकी हट गए। चले, कौन सा जीता तेरे हिसाब से? काला, काले वाले ने रखा था दम पर, अंत इसने खा दिया था पर एंडिंग वो ये ना जीता, ये जीता है ना। हाँ वो भगा दिया ना, भगा दिया एंड में, पूरा रगड़ दिया नीचे को। ऐसा जी देखो कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं, चलता पीछे कंटेंट है, कुछ भी हो रहा है में वो देखो लपड़ दी है।
ये सिखाया है तुझे। चलो भाई चलते हैं, वापसी चल रहे हैं। अब काफी देर फंक्शन हो गया, मतलब वो 10:30 हो गए मेरे भाई, लेट हो गया, बहुत ही ज्यादा लेट हो गए, मतलब वो बातचीत करते करते लेट हो गए। फिर चलते हैं अब नीचे गांव, दिखाते हैं आपको लपा गांव। ठीक है आंटी जी, ठीक है जी, ठीक है ना, नीचे आना, मुझे झूले आएंगे आपके साथ ना भाई जी। ठीक है जी, खाना खाओ, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है चलो यार चलते भाई जी ने कर दी सैनिकों। चलो बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल हाउस, बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने इतना बड़ा ख्याल रखा, और सबसे ज्यादा थैंकफुल तो महेंद्र भाई का, महेंद्र भाई को क्या ही थैंक यू बोलना। शक्ति के लिए रवाना हो गया हम गांव से। अच्छा आज हम जाएंगे शक्ति, कितने घंटे का ट्रैक है? छह घंटे का ट्रैक है और 10:30 हो गए हैं, लपा पहुंचेंगे, आधा घंटा लगेगा नीचे पहुंचने को, राशन पानी लेंगे, वहां से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा, मतलब 11:30 बजे ट्रैक स्टार्ट होगा। ठीक है तो 6 घंटे लगा लो, वैसी जर्नी रही है। और रास्ते में ये देखो सुबह होते ही लोग अपने जो है वो माल को भेड़ बकरी को लेकर चराने के लिए चल पड़ते। नमस्कार जी, कैसे है जी? बढ़िया, आशीर्वाद दो जी, आशीर्वाद। यहाँ से देखो कितना खूबसूरत है ये घर, क्या लोकेशन पे, क्या पॉइंट पे है। चलो 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 बेटू छत्तू, चलो चलो, ओए और कितना प्यारा है यार, ये बीमार हुआ था, कितना प्यारा है। चलो 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 नमस्ते जी, महेंद्र भाई वो इतना हरा जो दिख रहा है वो खेती है कुछ काय की? जो अच्छा वो जौ लगाया हुआ है। अच्छा वो जो नीचे हमने देखा था घर, वो वहीं जाना है? वो अलग घर दूर से दिखेगा नहीं, वो तो बंदे ने कोठी बनाई है प्रॉपर लेवल की, मतलब नेक्स्ट लेवल कोठी बनाई है उसने। ऐसे पहाड़ों में ऐसी जगह जहाँ रोड भी नहीं, वहाँ ऐसे ऐसे घर बना ले रहे हैं, अरे लोग बताओ वाला। ये क्या बोलते इसको, ये जो पहना आपने किल्टू? अच्छा इसमें ऐसे सामान डालते हैं, द्राट डाला है, बहुत बढ़िया। इसको ले जाओ, ये ही नहीं उठ रहे, कहाँ लेके जाएंगे इसमें, क्या डाल के ले? तो वजन तो आएगा ही पीठ पे सामान डाल के, इससे लगेगा अच्छा उठाने में, इससे उठती है दर्द। हैं स्कूल है तो, मतलब कितने गांव के बच्चे होंगे? गांव इधर के ही बच्चे हैं। और टीचर वगैरह तो टीचर कौन ही आते हैं, मतलब यहाँ ट्रांसफर हो गए टीचर? आजकल तो टीचर ही नहीं है प्राइमरी स्कूल में, डेपुटेशन भी आ रहे स्कूल से, ऐसे ही शंगर से आ रहे हैं। मतलब आजकल है या ऐसा ही है? ऐसा ही, बीच में था टीचर, वो उसकी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई, फिर अगले टीचर भर्ती होनी, अब डेपुटेशन पे चले, एक हफ्ता एक टीचर आएगा, दूसरा टीचर आएगा, उस तरह बच्चों की पढ़ाई में आपको पता दिक्कत आनी, तो दिक्कत तो आएगी, कोई क्या पढ़ा के जाएगा, मतलब वो फॉर्मेलिटी हो रही है। और तो बर्फ के टाइम पे स्कूल बंद, बर्फ के टाइम ज्यादा बंद ही रहते हैं, जब तो टीचर ही रहे ना, फिर भी तो चल पड़ता है काम, थोड़ा काफी ज्यादा दिक्कतें हैं यार, मतलब समझने में आ रहा है कि ये देखने में जितना खूबसूरत है लिविंग उतनी ज्यादा हार्ड एंड टफ है। कृष्ण भाई जी आए या बेब्स, आई एम हियर, सॉरी बेब्स नहीं, बेवाज है ये तो। और ये गांव है, बड़ा खूबसूरत गांव है, बड़ा ही ज्यादा खूबसूरत गांव है, मतलब वो थड्डी वो बहुत भगो भगो, आओ फिर चले घूमने। अच्छा क्या करना है, रुकना है? हां चाय पीनी, ग्रीन टी है, इस्लाम रिश्तेदारी है। अरे पौड़ियां जो बना दी है ना, एंगल खतरों से खाली नहीं है पौड़ियां।
ऐसे चलना पड़ रहा है पा की तरह। नमस्ते जी। यहाँ से ये अगला फ्लोर आ गया। ये यार क्या घर है भाई साहब। ओए होए 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 नमस्कार जी। क्या बात है, ये पोस्टर तो कभी देखे थे बचपन में नवीन? दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ द लाइफ। यहाँ ऐसे बैठा थकते चले थे और देख लो अभी लपा नीचे गांव में एंटर हुआ। तो मैं गांव में लपा मैं अभी रिश्तेदारी अच्छा है तो ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। मैं पुदीना भी लाया जेब में डाल के जो पुदीने वाली। नहीं पुदीना भी लाया जेब में। जुगाड़ी बंदे मोटे ओ बस 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 ओ रहन दो एरो ओ कुछ नहीं तक के दुखे ओ बस माम जी। हेलो हेलो ओ यार ओ बड़ा भारी यहीं से डायरेक्ट क्रॉसिंग ऐसे। महेंद्र भाई तब तक बैठे उनसे बातचीत कर रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, हम जाके थोड़ा राशन पानी लेके आते हैं सामान। नेक्स्ट लेवल लाइफ है यार, कहीं जा रहे किसी भी घर पे खाना पानी चाय चल रहा है, मतलब बड़ी ज्यादा खातिरदारी। वो तकिए तुकिए ले आए, मगर पांच मिनट बैठना है। लीचे भी जाती है। ये जो काइंडनेस और ये जो हम्बलनेस है लोगों की, ये मैं काफी देर से देख रहा था। ये होल्स देख रहे हैं यहाँ से, मधुमक्खियों का रास्ता है ये। अंदर छत्ते भाई जी अंदर, ये भी पास मैगी ले रहे हैं फिलहाल। गरीबी की चरम सीमा पे जी रहे थे। सामान कैसे लिए? मैगी लिए, बिस्कुट लिए, टॉफी ली, सूखा दूध लिया, पत्ती ली, चीनी ली। आप क्या फोटोग्राफी कर रहे? क्या बात है रो? जिंदगी में एक बात सीख लो, गरीब बंदा क्या करता है? जुगाड़ करता है। कैमरा तो मैं पकड़ेंगे, इसमें राशन कर दिया वो देखो गिलास का लगा। पीठ पे उठा इसको पहले। हाँ उठा ले। पौड़ियाँ इतनी ज्यादा स्टीप और स्लोप जैसा है ना, अजीब सा ऐसा लग रहा है फट्टे जैसे धक्का दे रहे हैं नीचे वो। जल्दी उतर। अच्छा ये है देवता जी का, जब देवता थे तो यहाँ बैठते हैं। ये माता का मंदिर है परिसाइड वा हमारे सुनचुल महादेव जी का। सुनचुल महादेव जी का। अच्छा सुनो, इस पे जो है जब देवता वगैरह आते थे इस पे बैठते हैं? इस पे बैठने का स्थान है। अच्छा हम बैठ सकते हैं, मतलब नॉर्मल ऐसे नहीं बैठते, इसके ऊपर बैठेंगे। इसके ऊपर हम नहीं बैठते हैं। तो क्या बोलते हैं महेंद्र भाई, सुनो करते हैं आज के ब्लॉग में एंड। हाँ जी। अगली कहानी क्यों बतानी है अभी? जी सस्पेंस बनाते हैं ना। ठीक है जी, एक मिनट लाइट सही से आ जाए, सारे बंदे भी आ जाएं। गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, क्योंकि ये सुबह है, आप रात को देखेंगे ब्लॉग, इसलिए गुड नाइट। और बढ़िया लग रहे हो, शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। नए हो चैनल पे महेंद्र भाई का नाम फोटो लेते हैं, बढ़िया सा वैली का नजारा देखो। और फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अगला ट्रैक है शाटी का, अभी 12 बज गए हैं, 5 से 6 घंटे का ट्रैक है, तो लगा लो इस सब। पता नहीं कैसा रहेगा क्या होगा, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं रिश्तेदारियाँ निभानी बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं इसे खूबसूरत नज़ारे के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर।